दोस्तों आज टीवी इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों की अदाकारी कितना मायने रखती है ये तो सब जानते हैं, जो अपने ब्रिलियंट एक्टिंग के दम पर भी टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाती हैं। इसलिए तो आज ये अभिनेत्रियां लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं। लेकिन दोस्तों इन अभिनेत्रियों की फैन फॉलोइंग के पीछे जितना हाथ इनकी दमदार अदाकारी का है उससे भी ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट का, जो इनकी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए तो ये अभिनेत्रियां अक्सर मेकअप के साथ ही दिखती हैं। लेकिन दोस्तों आपने अक्सर इन अभिनेत्रियों की मेकअप वाली तस्वीरें देखी होंगी, पर आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों के विदाउट मेकअप लुक के बारे में बताने वाले हैं, जो अपनी विदाउट मेकअप तस्वीरों में बेहद ज्यादा अलग दिखती हैं, इतनी ज्यादा अलग कि शायद ही आप इन्हें पहचान पाएं। तो चलिए जानते हैं टीवी इंडस्ट्री की कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों के विदाउट मेकअप लुक के बारे में। नंबर वन, रश्मि देसाई। उतरन जैसे और भी कई टीवी शोज में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री रश्मि देसाई शो के मेकअप के साथ तो अपनी खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बनाती नजर आई थीं, लेकिन विदाउट मेकअप भी ये अपनी नेचुरल ब्यूटी से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने में सफल रही, जिनके विदाउट मेकअप तस्वीरें भी काफी खूबसूरत दिखाई देती हैं। हालांकि इनके चेहरे पर बिना मेकअप थोड़े बहुत रैशेज नजर आते हैं, लेकिन ये विदाउट मेकअप भी बेहद चार्मिंग दिखती है, जैसा की आप इनकी इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं। नंबर टू, राधिका मदान। मेरी आशिकी तुमसे ही में मेन लीड में नजर आई अभिनेत्री राधिका मदान ने अपनी खूबसूरती के लिए खूब चर्चाएं बटोरी थीं। वही इनकी विदाउट मेकअप तस्वीरें भी कुछ कम नहीं हैं, जिन्होंने अपनी फेस ब्यूटी को विदाउट मेकअप प्रोडक्ट से काफी मेंटेन किया हुआ है। हालांकि कुछ तस्वीरों में हमें इनके चेहरे पर रैशेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम इनकी मेकअप और विदाउट मेकअप की तस्वीरों को एक दूसरे से कंपेयर करें तो हमें कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। नंबर थ्री, रागिनी खन्ना। सीरियल ससुराल गेंदा फूल में सुहाना के किरदार से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री रागिनी खन्ना मेकअप के साथ बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन विदाउट मेकअप इनका चेहरा काफी डल और बुरा नजर आता है, जिसमें इनका फेस स्किन टोन काफी ब्लैक और मुरझाया सा लगता है। साथ ही इनके फेस पर आप ब्लैक हेड्स भी साफ देख सकते हैं, जैसा की ये तस्वीरें भी बयां कर रही है। नंबर फोर, दिव्यांका त्रिपाठी। सीरियल ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी की खूबसूरती में आज लाखों लोग कायल हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी बिना मेकअप तस्वीरों के बारे में तो ये विदाउट मेकअप लुक में उतनी खूबसूरत नजर नहीं आती जितने की मेकअप के साथ दिखती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जिनके फेस पर हमें डल स्पॉट और ब्लैक हेड्स भी साफ तौर पर नजर आते हैं। साथ ही इनका फेस काफी ओली दिखता है। नंबर फाइव, हिना खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट के तौर पर चर्चाएं बटोरने वाली अभिनेत्री हिना खान आज खूबसूरती के मामले में सभी एक्ट्रेस को बराबर की टक्कर देती हैं, लेकिन विदाउट मेकअप हमें इनके फेस पर काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, जैसा कि इनकी ये तस्वीरें भी बयां कर रही है, जिसमे इनका चेहरा थोड़ा सांवला लगता है और इनके आई डार्क सर्कल्स भी साफ दिखते हैं, जिसके चलते इनका फेस काफी डल और बुरा लगता है। तो दोस्तों आपको टीवी इंडस्ट्री की इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री का विदाउट मेकअप लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।